फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी थ्रोटल बॉडी है वो क्लीन करनी है, बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है, साइडों पे कार्बन आया हुआ है इसके। देन एयर फिल्टर सही होना चाहिए इसका, जो अहम चीज़ है जो ज़्यादातर लोग मिस कर देते हैं वो इसका एयर फ्यूल रेशियो सेंसर है, सॉरी एयर फ्लो रेशियो, मास एयर फ्लो। मास एयर फ्लो के अंदर आप ये देख सकते हैं, अंदर का जो एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा गंदा हुआ हुआ है, इसको ज़रूरत है सर्विस होने की। और इसके अंदर जो टेम्परेचर सेंसर होता है वो इसके अंदर होता है, इसके अंदर दो एलिमेंट होंगे। इग्निशन कॉइल सेंस की, इसके प्लग की कंडीशन सही होनी चाहिए, और माइलेज अगर लाख से ऊपर है तो इसके स्पार्क प्लग भी चेंज होने वाले होते हैं। इसके प्लग भाई भाई लगेज लगेज। गाइस ये देखें आप, 7.1 से 7.8 किलोमीटर पर लीटर हो गई है आफ्टर रीफ्यूल पे। और इसके अंदर जो थ्रोटल बॉडी क्लीन करने के बाद जो उसकी कंप्यूटराइज लर्निंग होती है वो आप लाजमी करिएगा, जिसके आरपीएम इसके नॉर्मल हो जाएंगे। अदरवाइज जब आप लर्निंग नहीं करेंगे तो उसके आरपीएम 2000 या 3000 पे रहेंगे। ये लर्निंग वैल्यू रिसेट से आपने थ्रोटल बॉडी क्लीन करने के बाद उसको लर्निंग करनी है आफ्टर रीफ्यूल पे। आप चेक करिए कि आपके पास जितनी आप गाड़ी चलाएंगे उतना आपको फ्यूल एवरेज अच्छा मिलेगा, 10.2, 10.3 आपके पास आएगा, ठीक है। इस